हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और नई रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू के समोसे। उसके इंग्रेडिएंट आप नोट कर लें। सबसे पहले आलू, जिसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया और मैश कर लिया। उसके बाद ये समोसा पट्टी, ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आधा चम्मच कटर मिर्च, हसबे ज़रूरत नमक, एक अदद छोटी प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया, दो खाने के चम्मच हमारे पास मैदा था और थोड़े से पानी के साथ मैंने इसकी थिक सी पेस्ट बना ली है। आप देख सकते हैं ये जब हमने समोसे बनाने हैं ये इनको जोड़ने का काम करेगी। हरा धनिया थोड़ा सा, सूखा धनिया आधा चम्मच, आधा चम्मच ज़ीरा। आई होप आपने सारे इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे। गाइज, अब सबसे पहले हम लेंगे आलू जिनको मैंने बॉईल किया था, उसी के अंदर हम कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसी के साथ हम सूखा धनिया वो डाल देंगे, इसी के साथ जीरा, नमक मिर्च वो डाल देंगे और हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कि मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब किस तरीके से हमने समोसे तैयार करने हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हमने इस पट्टी को इस तरीके से नीचे बिछा लिया। अब जो पेस्ट हमने तैयार की थी वो सारी इसके किनारों पर मैं इस तरीके से लगा लूँगी, इसके सारे किनारों पर अच्छे तरीके से। देखिए, मैंने सारे किनारों पर अच्छे तरीके से लगा ली है। अब मैं ये वाला कॉर्नर उठाऊंगी, इसको इसके साथ इस तरीके से जोड़ दूंगी। फिर इस कॉर्नर को मैं उठाऊंगी और इसको इसके साथ, इस तरीके से जोड़ दूंगी। अब ये देखिए, ये पॉकेट हमारी बन चुकी है। अब इसी के अंदर मैं फिलिंग डाल दूंगी इस तरीके से। फिलिंग डालने के बाद अब ये ऊपर वाली तह को हम इस तरीके से बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने सारे समोसे जो के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब ऑयल जो के गर्म हो चुका है, अब इसमें हम अपने समोसे फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से सारे समोसे मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इनको फ्राई कर लूँगी। गोल्डन ब्राउन जैसे ही हो जाएंगे फिर मैं इनको निकाल लूँगी। अब गाइज, आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से समोसे जो के तैयार हो चुके हैं। आई होप आज की वीडियो आपने ज़रूर इंजॉय की होगी। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।